हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में तो बहुत ही सुंदर देखिए कितने अच्छे टमाटर उगे हैं मेरी टेरिस में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टमाटर खाने के फ़ायदे बताने जा रही हूँ क्योंकि टमाटर तो आप लोग उगाते ही होंगे लेकिन हम क्यों उगाएं ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं देखिए कितने अच्छे ग्रो हुई है तो लाल टमाटर जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ही फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए हरे टमाटर भी तो हरा टमाटर जो कि विटामिन ए और सी का खजाना होता है और विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो टमाटर खाने से हमारी जो आँखें हैं उसकी रोशनी बढ़ती है क्योंकि विटामिन ए का उत्पाद इसमें जो हरे टमाटर होता है इसमें कैरोटीन होता है जो कि शरीर में विटामिन ए का उत्पादन करने में मदद करता है इसके साथ ही साथ जो टमाटर है वो फाइबर से भी भरपूर होता है इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि जो टमाटर होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है तो इसके सेवन से हम ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके अलावा यह त्वचा पर जो हमारे पिंपल्स मुहासे हो जाते हैं और जो कब्ज की समस्या है इसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है वहीं इसमें एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ रखने में कारगर माने जाते हैं इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ये जो टमाटर होता है बहुत ही काम का चीज़ होता है क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है जिससे हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इसमें विटामिन सी पाया जाता है तो हमें रोग से लड़ने में भी सहायता करता है तो ये तो रहा फ्रेंड्स टमाटर टमाटर खाने के फ़ायदे तो लाल टमाटर जैसे ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है उतना ही हमारे लिए हरे टमाटर भी फ़ायदेमंद होता है तो अब समय समस्या आती है कि हम हरे टमाटर खाएं कैसे तो जो हरा टमाटर जब पकने लगता है तो थोड़ा सा इसमें जिसे बोलते हैं गदरा ऐसे हल्का सा लाल पिन अभी देख रहे हैं ये इसमें हल्का सा पीलापन लिए हुए हैं तो इस इस स्टेज में इसको भून कर आसानी से खाया जा सकता है इसकी चटनी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी भी लहसुन और थोड़ा सा मिर्च डाल के और इसे सिलबट्टे पर पीस के बनाइए बहुत ही स्वादिष्ट इसकी चटनी बनती है और या तो आप बॉईल करके भी इसको खा सकते हैं आग में भून के और नमक डाल के मिर्च डाल के बढ़िया चटनी बना के खा सकते हैं तो इसके जो हरे गुण हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं तो आज के मेरे चैनल में मेरे वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ तब तक आप सभी को हमारा ढेर सारा नमस्कार और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा